हनुमान जी वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या हो गया जो आप खामोखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है कि वह भाई बाली के दूत है। भला उन्हें दूत भेजने की क्या जरूरत जब वह स्वयं ही आपसे मजबूत है। आप जाइए और उनका पता लगाइए, अगर वह भाई बाली के दूत हुए तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहीं कहीं छुप कर अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा, आप मेरी तरफ निगाह रखना और मेरे एक एक इशारे की पहचान रखना। ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर से स्तर क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी पुनः अवस्था, इधर फकीरी बाना है, क्या कारण बनने फिरने का, असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत शकल सुहाना है, इधर हवाइयां उड़ रही ऊपर, इसका भेद न जाना है। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, इस सेवक होशिया को भी अपने संग लाए थे। चलते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे, कुछ ऐसा से पंचवटी पर डेरे आन लगाए थे। रावण हर ले गया सिया को, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं, क्या पूछो है महाराज हम हवा रवक के मारे हैं। महाराज हमने अपना सारा हाल आपको सुना दिया, मगर आपने अपने बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना कोई क्षत्रिय, बल्कि क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये बंदा राजा सुग्रीव का निगेबान है, वो भी आपकी तरह गद्दी जमाने का सताया हुआ है और अपने भाई के हाथों सख्त आया हुआ है। अगर आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद करने में आप दोनों के काम बनने में आसानी होगी। क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ महाराज चलिए, हमें कब इनकार है। तो आइए सुग्रीव जी से मुलाकात मैं करवाता हूँ। यही है किष्किंधा के महाराजा सुग्रीव। हनुमान जी मेरा भी इनसे परिचय करवाइए। जय रघु कुलभूषण अयोध्यापति महाराजा दशरथ के राज दुलारे हैं, इनको श्री रामचंद्र जी उचारते हैं और उनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। वाह भगवान वाह, आपका दीदार हो गया तो बंदा बल सागर से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा सर आप पर कुर्बान हो गया और मैं सदा के लिए आपका मददगार हो गया। मगर मुझे अपनी कहानी तो सुनाइए, सोरुदासी का कारण तो बताइए। सुग्रीव जी मेरी माता ने मेरे पिताश्री से किसी समय 2 वरदान लेने थे, सो उन्होंने पहले वरदान में मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज मांग लिया और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। बस उनका हुक्म मानने के लिए मैंने बन जाने की तैयारी की, तो इधर मेरी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे साथ आने की जिद की। 13 वर्ष तो हंसते फिरते जंगलों में पंचवटी पर
14वें साल के शुरू होते ही हमने डेरे आन लगाए। एक दिन मेरी और लक्ष्मण की गैर हाजिरी में दुष्ट राक्षस मेरी पत्नी का हरण करके ले गया। बस तभी से हम जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए, एक स्त्री वायु से हाय राम हाय लक्ष्मण चिल्लाते हुए जा रही थी। अलबला उन्होंने हमें देखकर कुछ जेवर हमारी तरफ फेंके। आप उनका इत्मीनान कीजिए हनुमान जी, वो जेवर लेकर आइए। लीजिए भगवान। देखो लक्ष्मण, क्या ये गहना कभी सीता ने पहना है? ये तो माता जी के माथे के गहने हैं। अगर कोई पांव का गहना हो तो बताइए। हाँ, लीजिए महाराज, ये देखिए। देखो लक्ष्मण, क्या ये सीता के पांव का गहना है? बेशक, ये माता जी के पांव का ही गहना है। वाह लक्ष्मण जी वाह, आपके शोभित जाव का क्या कहना। आपने प्रेम भक्ति की वो मिसाल कायम की है जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आई है। इधर मेरा भाई है जिसको अपनी पत्नी पाई है। वो भाई है या कसाई, उसे ऐसा करते लग जाना ही। हे प्रभु, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं और मेरी सरकार सीता जी की रिहाई के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। अगर यही बात है तो अभी फैसला हो जाए। आपका फरमान ठीक है, मगर मैं आपकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूं। अगर आपकी ताकत का इत्मीनान हो जाता तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता। तो ठीक है, आप जरा अपने भाई बाली की ताकत का कुछ अंदाजा बताइए ताकि हम आपका ये संदेह भी मिटाएं। जब मैं भाई बाली तीर चलाता है तो एक वृक्ष से पार हो जाता है। तो देखिए, मेरे इस तीर के आगे जितने भी वृक्ष आएंगे सारे के सारे भिग जाएंगे। वाह भगवान वाह, आपने सभी वृक्ष पार कर दिए। मैं अभी भाई बाली के पास जाता हूँ, उससे जंग के लिए ललकारता हूँ। मालूम होता है
कुजला रही है। नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच ला रही है। अच्छा तो ठहर, अभी मजा चुनाता हूँ। घबराइए और इस बार ये माला पहन कर जाइए। बाली मैदान में आते ही अपने प्राण गवाएगा। देखना भाई, इस बार भाई बाली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। वाह भाई साहब वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई, आखिर छुप कर जान बचाई। लगता है आज मेरी खोपड़ी ठीक हो गया। मेरा हक मुझे दे दे भाई, ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ाई। आवारा गद्दी के तुम्हारा कोई हक नहीं, तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। जिंदा जाएगा ना मेरी तलवार के नीचे, तो खुद चलकर है छुरी की धार के नीचे। लाया किस भरोसे पर मुझे भी जा दिखाने को, तेरा ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। ओ पाजी, इतनी जवान राजी, अभी करता एक देखो। We'll be right back.
का दोष नहीं, तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आई।